फैसले का अब माप तो है नहीं कि कितने इंच का या कितने फुट का होगा, लेकिन अगर खिलाड़ी सहमत होंगे और हमारे लोग सहमत होंगे तो फिर हमारे पास कोई फॉर्मेलिटी सी तो करनी नहीं आती, होगा तो फिर ठीक ही होगा। करने वाला हर कल बनाएगा। देखिए कल का जो प्रोग्राम है वो एक जो आज के टाइम में आंदोलन चल रहा है और सरकार सुन नहीं रही है, सारे देश में जागृति है, उल्टा आंदोलनकारियों पे मुकदमे बना दिए, उनको घसीटा गया, लेकिन फिर भी जो है वो इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए कल मुडलाना के अंदर महापंचायत कर रहे हैं और उसके अंदर जैसा भी हमारे खिलाड़ी चाहेंगे उनके अनुसार जो है यहाँ पे कोई बड़ा फैसला कर लिया जाएगा आंदोलन को आगे बढ़ाने का। कौन कौन और पूछ रहे इसमें माननीय सत्यपाल जी मलिक, क्योंकि उनके ऊपर भी सीबीआई की फटाफट रेड करवा रहे हैं, पूछताछ करवा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके भी समर्थन में पूरा कल हम खड़े होंगे। और उनके साथ साथ जयंत चौधरी जी आ रहे हैं और जो दलित नेता है चंद्रशेखर जी वो आ रहे हैं, और हरपाल बिलारी जी जो किसान नेता है उत्तर प्रदेश के वो आ रहे हैं, और हमारे संगठन के पंजाब से और यूपी से जो पदाधिकारी हैं वो अपने जथे के साथ 100 150 50 गाड़ियां लेके वो भी आ रहे हैं, तो क्या जिस तरह से खाप पंचायत है वो भी बुलाई गई है? और खिलाड़ी भी इसके साथ में आ रहे हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पे कल इकट्ठे होंगे और खिलाड़ियों की सहमति से कल बड़ा फैसला जो है वो लिया जाएगा। हरियाणा की खाप पंचायत तो भी पहुंचेगी। नहीं, खाप पंचायतों को हमारा निमंत्रण नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से को पहुंचेगा तो उसका स्वागत है। और बड़ी बात ये है कि जो आज आंदोलन चल रहा है या जो आज देश की पोजीशन है उस वो बड़ी चिंताजनक है, उस पे देश के सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। आप देखें हरियाणा के अंदर जो है वो छेड़छाड़ का आरोप लगा मंत्री पे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बृजभूषण पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो इनका गृह राज्य मंत्री हैं टैनी जी उन्होंने अपनी गाड़ी भेज के किसानों को कुचल के मार डाला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देश जो है वो गुंडा राज एक तरह से देश में हो गया है, और जो कमेरे हैं वो सड़क पर हैं, जो लुटेरे हैं जो गुंडे हैं वो सत्ता में बैठे हैं, तो इस देश की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई। तो खिलाड़ियों को लेकर जिस तरह कल कुरुक्षेत्र में ही पंचायत हुई, वहाँ आपस में फूट देखने को मिली, सहमति नहीं बनी, 9 तारीख तक का समय दिया गया है, तो क्या मानते हैं इसमें? देखिए मेरे को कल उस पंचायत में नहीं बुलाया गया और मैं उसके बारे में नहीं जानता कि वहां क्या कुछ हुआ। तो यहाँ क्या रहने वाला, कितने लोग यहाँ से पहुँच कितने पहुँचेंगे? यहाँ पे भारी संख्या में कल लोग आएंगे और हरियाणा के चौगिरदे से आएंगे, सभी बिरादरियों के आएंगे, ये सर्व समाज पंचायत है, ताकि सरकार कोई ये हमारे ऊपर दोष ना ला सके कि ये एक कम्युनिटी के लोग हैं या एक प्रदेश के लोग हैं। तो यहाँ कई प्रदेशों से आएंगे और सभी कम्युनिटियों से आएंगे और हम सारे समाज को साथ में लेके चलेंगे। कितना बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए फैसले का अब माप तो है नहीं कि कितने इंच का या कितने फुट का होगा, लेकिन अगर खिलाड़ी सहमत होंगे और हमारे लोग सहमत होंगे तो फिर हमारे पास कोई फॉर्मेलिटी सी तो करनी नहीं आती, होगा तो फिर ठीक ही होगा।